speaker. Sir, आपने मुझे nothing is going on record now. Sir, nothing is going on record. This is not the way. नहीं, this is not the way to do it. Please, please sit down. Sir, माननीय वित्त मंत्री तीसरा बजट है. Thank you. This is not the way to do it. Thank you. भीन इसलिए कि वित्त मंत्री ने इस बजट में इस साल के बजट में सबसे ज्यादा तरजीह ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को दी. 5 minutes. इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं. बजट इस बजट में फसलों का बीमा, सिंचाई योजना, किसानों के विकास के लिए कृषि ऋण एवं कृषि कल्याण सरचार्ज, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को जाल बिछाने एवं मनरेगा पर जोर दिया गया. भारत गांवों का देश है. भारत गांव में बसता है. देश की 70% आबादी गांव में रहती है और 60% लोग कृषि पर निर्भर है. इसलिए ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को तरजीह देना जरूरी भी था. बजट बुरी तरह किसान पर कुर्बान है. कृषि क्षेत्र का बजट 25,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया गया है. दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लिए राशि 82,000 करोड़ से बढ़ा करके 88,000 करोड़ कर दी गई है. इस राशि से निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा. सर किंतु किसानों की समस्या यह है कि पिछले 2 सालों से मानसून की वजह से आधे देश में सूखे जैसी स्थिति रही. खेती की विकास दर ठहर सी गई है. कृषि की बदहाली का असर पूरे देश में पड़ा है. इससे गाँव में मांग घटी है जिसका सीधा असर हमारे लोगों में पड़ा है. भारतीय किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि खेती करना किसानों को लिए दिनों दिन जो घाटे का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि खेती की जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं और उसको जो उपज का मूल्य बढ़ता है वो कम होता जा रहा है. तो मंत्री जी, दूसरी समस्या खेती में जो आ रही है, जो अब आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा. आज खेती की फसलों को अब बहुत बीमारियाँ लगने लगी हैं. फसलों को बचाने के लिए किसान को अनेक बार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है. उसके बावजूद भी कई बार फसलें बच नहीं पाती. इसका दोहरा नुकसान हमारे देश को हो रहा है. एक तो किसानों को कीटनाशकों की खरीद के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और दूसरे कीटनाशकों के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा अनाज I'll request for silence in the house, please. You can take your conversations out of the house. इसी कारण कई नई नई बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही हैं, जैसे हार्ट अटैक, विभिन्न प्रकार के कैंसर, शुगर, बीपी जैसी जानलेवा बीमारियां आज कम उम्र में ही व्यक्ति के अपना शिकार बना रही हैं. ये हमारे लिए चिंता का विषय है. इसलिए कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है. तो किसानों के विकास के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा. सबसे पहला मेरा सुझाव है, अगर आज हमने किसानों को बचाना है तो किसानों को हमने आज सस्ते दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ तथा उसकी उपज का उचित मूल्य देना होगा, तभी किसान बच पाएगा. दूसरा सुझाव मेरा यह है, अगर आज हमने अपने देश की जनता को स्वस्थ रखना है तो किसान को इस प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध कराने होंगे जो हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न डाल सकें. इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक अहम योगदान अदा कर सकते हैं. तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इसके लिए सरकार कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि विश्वविद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे ताकि वो अपने इस काम को जो है पूरी लगन से और समय पर पूरा कर सकें. तो मंत्री जी, आपने शिक्षा अभियान के तहत 2 साल में 82 और नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की है. 10 सरकारी व 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की है. शिक्षा संस्थानों को बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए 1,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, परंतु शिक्षा में सुधार की अति आवश्यकता है. मंत्री जी, जो आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति है बहुत चिंताजनक है. आज हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है निरंतर गिरता जा रहा है. इसमें जो मुख्य अहम योगदान है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है उसका अहम योगदान है. उसके आने से 5वीं और 8वीं का बोर्ड होता था, परीक्षा लेती थी, वो बंद कर दिया गया है. इसलिए आज बच्चों को 8वीं तक कोई फेल करने का प्रोविजन नहीं है, उनको 8वीं तक पास कर दिया जाता है. इसलिए जब बच्चों को पास कर दिया जाता है उसको फेल होने की चिंता नहीं होती है, इसलिए वो शिक्षा की तरफ अपना ध्यान नहीं देता. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारी नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें जो है इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके दोबारा से वही 5वीं और 8वीं का बोर्ड बनाने का काम करेंगे. अगर ये बोर्ड बनेंगे वहाँ पर जो अच्छे बच्चे जो है बोर्ड के आगे बढ़ने का काम करेंगे. इसके बाद जो ये आज शिक्षा का जो शिक्षा हमारे लिए बहुत महंगा सौदा हो गया, इसमें जो गरीब बच्चे हैं शिक्षा जारी नहीं कर सकते. आज मेडिकल कॉलेज में अगर कोई एडमिशन लेना हो तो 30 से लेकर के 35 लाख से लेकर के 35 लाख तक की है
डोनेशन मांगी जाती है जो गरीब के बच्चे के लिए संभव है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर गरीब के बच्चों को अगले पढ़ाना है तो गरीब के बच्चों को फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंकों से आपने लोन देने की आपने जो है सुविधा देनी होगी और उसकी जो गारंटी है सरकार को लेनी होगी। थैंक यू मैम। तो लास्ट में मैं एक अंत में एक और कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी आपने बजट में सूक्ष्म छोटे मझोले उद्यमियों के हित में कुछ प्रावधान किए हैं। इन उद्यमियों को मुद्रा बैंक के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष में अधिक कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत केवल SC ST छोटे कारोबारियों को कर्जा दिया जाता है। ये तो एक वैसे सराहनीय काम है, परंतु मंत्री जी एक आप बहुत बड़े समाज OBC को छोड़ने जा रहे हैं, उसमें भी जो है बहुत उद्यमी काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा OBC कैटेगरी के जो भी उद्यमी हैं उनको भी इसी प्रकार से कंक्लूड देने काम करेंगे। ये भी एक आपका बहुत ही कदम होगा। आई विल कॉल फॉर द नेक्स्ट स्पीकर श्री जेसुदास सीलम। धन्यवाद।